यादव महासभा ने टीकमगढ़ में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मांग की है कि समाज के लोगों के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, जिसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। यादव महासभा के अध्यक्ष प्रमोद यादव के नेतृत्व में यादव महासभा के लोगों ने एसपी को दिए शिकायती आवेदन में कहा, कुछ समय से यादव समाज के लोगों पर षड्यंत्र पूर्वक जिले के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जिन युवकों पर मामले दर्ज किए गए हैं, उनका उन मामलों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। प्रमोद यादव ने बताया कि एसपी प्रशांत खरे ने आश्वासन दिया है कि वह 7 दिवस के अंदर जाँच कराकर पूरे मामले की हकीकत सामने लाएंगे। यदि एफआईआर दर्ज फर्जी की गई है तो फिर शिकायतकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी और निर्दोषों को नहीं फंसाने दिया जाएगा। पिछले विगत दिनों यादव समाज के ऊपर फर्जी प्रकरण दर्ज किए गए विभिन्न थानों में टीकमगढ़ जिलांतर, जबकि वास्तविकता से उन प्रकरणों का कोई लेना देना नहीं। उसमें गंभीर धाराएं 376-354 जैसी है। कहाँ का मामले है ये? ये एक तो है आपका बड़ा गाँव थाना अंतर्गत पराका, हमारे धनीराम यादव जी की सरपंच है, क्षेत्र प्रतिष्ठित आदमी, उनके खिलाफ एक महिला ने 354 का आवेदन दिया और तुरंत प्रकरण दर्ज किया, तुरंत उसकी 164 के कथन करा दी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।